हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर संदीप जैन है। मैं कनाडा में लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूं और एक्मी वीज़ा सॉल्यूशंस का सीईओ एंड प्रेसिडेंट हूं। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की जो रिक्वायरमेंट है, जो बच्चे इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में आके पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद यदि उन्होंने पब्लिक स्कूल में या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा है, पब्लिक कॉलेज में पढ़ा है, तो उनको पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन की है, तो उनको उनके पढ़ाई की ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली वो वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ने कुछ मेजर चेंजेस पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट प्रोग्राम में की है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा वो एक बहुत ही फेवरेट प्रोग्राम है इंडियंस के लिए, और इंडिया से लाखों बच्चे जो हैं कनाडा में पढ़ने के लिए आते हैं। और मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो है अपने रॉन्ग इंस्टीट्यूशन उन्होंने चूज़ कर लिया, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन जो है वो एलिजिबल नहीं होता पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए, और ऐसी जो गलतियां करके, और उसके बाद एक टाइमलाइन होती है जिस टाइमलाइन में हमने वर्क परमिट को अप्लाई करना होता है, और वो कई बार वो जो डेडलाइंस हैं, बच्चे बहुत कॉमन चीज़ है कि उसको मिस कर जाते हैं। अभी जो कनेडियन गवर्नमेंट ने 14 फरवरी 2019 को जो अमेंडमेंट की है, वो एक मेजर जो सबसे बड़ी अमेंडमेंट की है कि पहले आपको जो वर्क परमिट है वो 90 डेज में आपको अप्लाई करना पड़ता था, अब वो जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज होके 180 डेज की हो गई है कि हम अपना जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है वो विद इन 180 डेज, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर हम अपना जो एप्लीकेशन है वो डाल सकते हैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट होने के। ये रिमार्केबल टाइमलाइन में इम्प्रूवमेंट की है, और इसमें क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी है कि स्टूडेंट ने अपनी पढ़ाई ख़त्म की और उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी है कि भी वो अपना 6 महीने के अंदर अंदर मतलब अपना वो अप्लाई कर सकता है। सेकंड, पहले जब हम अप्लाई करता था बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के ऊपर, उसके पास वैलिड स्टडी परमिट होना ज़रूरी था। अब वो जो रिक्वायरमेंट है वो भी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास यदि कनाडा में वैलिड स्टेटस है, कोई भी वैलिड स्टेटस है, जहां आप कनाडा से बाहर चले गए हैं, तो आप उस एप्लीकेशन के अप्लाई, आपके पास यदि स्टडी परमिट वैलिड नहीं है तो भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं विद इन 180 डेज। सो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये इमिग्रेशन की तरफ से न्यूज़ आई है। सो एक्मी वीज़ा सॉल्यूशन हर तरह की स्टूडेंट वीज़ा सर्विसेज और पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज, जब स्टूडेंट कनाडा में आ जाता है, उसके अलावा जो पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट जो वर्क परमिट है उसको लिए, और डिफरेंट प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स में, और फेडरल का जो प्रोग्राम है कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की एप्लीकेशंस को अप्रूव करवाने में, वी आर स्पेशलिस्ट इन दैट। सो इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प रिलेटेड टू योर इमिग्रेशन मैटर, यू कैन कॉन्टैक्ट एक्मी वीज़ा सॉल्यूशंस ऑफिसेज इन इंडिया। सो द हेड ऑफिस इज इन लुधियाना, तो उसका फ़ोन नंबर है 80140 80140, और सरी में जो कंपनी का हेड ऑफिस है उसका फ़ोन नंबर है 604-593-5141। एबर्ट्सफोर्ड में जो कंपनी का ऑफिस है उसका फोन नंबर है 604-776-1616। थैंक यू।